हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इफ्तार स्पेशल फ्रूट्स कट करना बताऊंगी, प्लेट्स में डेकोरेट करना भी बताऊंगी। फर्स्ट अपन ककड़ी धो लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 ककड़ी ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब अपनी ककड़ी धुल चुकी है। अब अपन इसको काटेंगे। इसको अपन कटर से काटते हैं फ्रेंड्स। कटने के बाद बहुत ही अच्छे से सजाएंगे हम इसको। पहले अपन इसको इकट्ठी कट कर लेते हैं, फिर इसको अपन डेकोरेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ककड़ी कट चुकी है। अब अपन इसको डेकोरेट करेंगे। ऐसे ही मैंने कुछ ग्रेप्स के बंच तोड़कर रख लिए हैं, अपन उसको भी डेकोरेट करेंगे। वीडियो टू लॉन्ग हो जाता इसलिए मैंने उन्हें पहले ही धोकर रख लिया है। इसे हम फन स्ट्राइप से डेकोरेट करेंगे। स्ट्राइप से बंच का डिजाइन बनाएंगे। फर्स्ट अपन ने 5 चपाती जमाना है और फिर 4 ढाबा चिकन, फिर 3 बहुत ही टेस्टी और यम्मी कॉम्बिनेशन, फिर 3 आप इस पर फिर 2 बटर, फिर 2 घी, फिर ऑयल लगाकर खाइए, इतना बढ़िया लगता है। ये फिर 1 आपको बता नहीं, एकदम टेस्टी यम्मी। इस टाइप से मैंने इधर जमा लिया। प्लीज घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर जरूर। ऐसे ही मैं इधर थोड़ा सा बढ़ा रही हूं। आपको कैसी लगी? ये अपन इस टाइप से जमाएंगे को कुछ इस टाइप से। ये घी, ये ढाबा चिकन और चपाती। अपन डायरेक्ट बंच जमाएंगे। ये देखिए, मैंने कुछ इन्हें तोड़कर भी रख लिया है ताकि अपन इसको अच्छे से डेकोर कर सकें। मैं ये ककड़ी में इससे डेकोरेट कर देखिए, बनती है बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए कितनी खूबसूरत प्लेट लग रही है। ले दो, ताली दे, आप भी ले लूँगा। ले लूँ, ले जमा रहे हैं। क्या नाटक चल रहा है? क्यों? ये देखिए फ्रेंड्स, रेंट रेंट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये वेज फ्रूट्स प्लेट, फ्रूट सैलेड प्लेट तैयार हो चुकी है। ये देखने में बहुत सुंदर लग रही है। मैंने इसमें बनाना कट कर रखे हैं, ग्रेप्स के बंच रखे हैं, और ये मैंने आपको ककड़ी जमाना दिखाई थी। ये देखिए, इसी तरह से मैंने दूसरा और एक और बनाया है। वीडियो टू लॉन्ग हो जाती है इसलिए मैंने इतना ही बताया। ये देखिए, इसमें हमने फ्लावर शेप डिज़ाइन बनाई है, हमने इसमें ज़्यादा डेकोरेट नहीं करा है। देखिए, ये देखने में भी बहुत सुंदर है।